हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं शोएब अख्तर ओपनली वॉन्ट्स एंड अटैक्स इज एनिमी द बैटल बिटवीन शोएब अख्तर एंड सचिन। ना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि शोएब अख्तर इसमें क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, कोई भी बॉलर अपने गुस्से का इजहार अपनी बॉलिंग से करता है और कभी के बाद यही गुस्सा ऐसे ओवर्स या ऐसे स्पेल का बाइस बनता है जो सालों तक याद रखा जाता है। हाँ, आज हम पाकिस्तान में होती की तारीख के सबसे गुस्सीले, सबसे एग्रेसिव बॉलर शोएब अख्तर, जिनका कैरियर ऐसे स्पेल से भरा हुआ है, उनका जिक्र करेंगे। शोएब अख्तर के बकौल उन्होंने अपने कैरियर में 19 खिलाड़ियों को जख्मी करके रिटायर किया। 19 खिलाड़ी, ये ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड है बल्कि जिन खिलाड़ियों को उन्होंने रिटायर किया वो कोई मामूली बैट्समैन नहीं बल्कि अपनी टीम के लेजेंड। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बना, उसने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। इस वीडियो में हम शोएब के कैरियर के टॉप 5 एग्रेसिव मोमेंट्स के बारे में जिक्र करेंगे, जिनमें या तो शोएब ने मुखालिफ बैट्समैन को जख्मी करके ऐसे रिटायर्ड किया कि लगता था कि वो अब बच नहीं पाएगा, या उसकी ऐसे विकेट ली कि वो आज आईसीसी और दीगर प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, सोशल मीडिया पे आज भी उन विकेट्स को शेयर करते हैं और उनको लेजेंडरी मोमेंट्स कहते हैं। ना सिर्फ हम इन वाक्यात का जिक्र करेंगे बल्कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपनी इस स्टोरी को फैक्ट्स के साथ सब्सटेंशिएट करूं। अब आगे जाने से कबल थोड़ा तारुफ हो जाए। मैं हूं अब्दुल्ला जावेद और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स नामा। सबसे पहले यार, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ढेर सारे व्यूज दिए, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमें मिले। अब हम अल्लाह का करम है 12.9K तक सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अब नंबर 5 पे आते हैं शोएब वर्सेस लैंगर। दोस्तों, जस्टिन लैंगर को आप में से ज्यादातर जानते होंगे, वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर थे और अपने कैरियर और क्रिकेट की तारीख के इंतहाई टफ बैट्समैन थे। अभी आम बैट्समैन की तरह शोएब से कोई डरते नहीं थे। शोएब की फास्ट तरीन बॉल्स को भी ये हंस कर यूं देखते थे कि भाई ये कौन सी गेंद करा रहा है, इसमें ना कोई मजा है ना कोई स्पिन। अच्छा। ये एक ऐसे ही टेस्ट मैच का वाकया है जब टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स खेली जा रही होती है। लैंगर शोएब अख्तर से कहते हैं कि चंद स्पेल कराने के बाद तुम थक जाओगे और फिर मेरे ही रहमो करम पर। अच्छा। तो शोएब अख्तर उसी ओवर में आकर लैंगर के हाथ पर ऐसे दे मारता है कि लैंगर मामूली सा जख्मी होता है और हाथ चेक करने लग जाता है। तो अगली गेंद कराने से कबल शोएब ऐसे हाथ हिलाता है जैसे कह रहा है मेरा हाथ जख्मी कर डाला, और साथ हंसता है। कभी के बार तो एक ही मैच में शोएब लैंगर को 5 मुसलसल बाउंसर्स भी मारता रहा, मगर ना लैंगर पीछे हटा ना शोएब। मगर इसकी एक और यादगार वाकया भी है जो हम आगे जिक्र करेंगे। नंबर 4 पे आते हैं शोएब अख्तर वर्सेस सौरव गंगुली। अब यार, गंगुली मेरे नजदीक इंडियन टीम के सबसे डिसेंट क्रिकेटर से। जब इंडियन टीम फिक्सिंग स्कैंडल का शिकार होकर मुकम्मल तबाह हुई तो गंगुली ने ही इसे उठाया। शोएब अख्तर भी गंगुली को अपनी सख्त तरीन ऑपोजिशन मानते हैं और क्रिकेट की तारीख के इंतहाई इंटेलिजेंट कैप्टन्स में से एक शुमार करते हैं। अब ये 1999 की सीरीज के चौथे ओवर की बात है कि शोएब अख्तर तेजी से आते हैं और एक ऐसा बाउंसर मारते हैं जो गंगुली की चेस्ट को लगता है। अब हर बंदा डर जाता है कि शायद इसकी रिब्स टूट गई है या इसके उठने के अब कोई चांसेस बाकी नहीं बचे। तमाम प्लेयर्स आकर गंगुली के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, एम्पायर्स डर जाते हैं, गंगुली उस मौके पर रिटायर्ड हो जाते हैं। क्या यार, अब गंगुली के रिटायर्ड होने के बाद इंडियन टीम की मुसलसल विकेट्स गिरती हैं। ये 6 विकेट गिरने के बाद गंगुली वापस आते हैं, हर बंदा हैरान होता है। गंगुली ना सिर्फ आते हैं बल्कि शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनस की मौजूदगी में जख्मी होने के बाद भी 50 रन बनाते हैं, जो इंतहाई बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। नंबर 3 में आते हैं रिकी पॉन्टिंग। अगर बात की जाए क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप मैचेस और सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ही हैं। मगर चंद दिन कबल रिकी पॉन्टिंग ने अपने ट्विटर अकाउंट में शोएब अख्तर की एक इंतहाई तेज तरीन बॉल की वीडियो शेयर की और साथ में ये कैप्शन डाली कि ये मेरे कैरियर का इंतहाई तेज तरीन स्पेल था और क्रीज की दूसरी जानिब खड़ा जस्टिन लैंगर रनिंग लेने के लिए तैयार भी ना था। ये वही जस्टिन लैंगर है जो शोएब को आंखें भी दिखाता। इसके बारे में खुद कैप्टन रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि वो शोएब से इस कदर उस दिन डरा हुआ था कि वो रनिंग लेने के लिए तैयार भी ना था।
स्पेल की बॉलिंग आप अपनी क्रीज में देख सकते हो। 1999 में खेले जाने वाली इस सीरीज के अलावा शुएब का एक ओडीआई मैच में पॉइंटिंग को कराया गया अवर फैंस को इंतहाई पसंद है। पहले तो पॉइंटिंग बामुश्किल बचते हैं और आखिर में शुएब के अताब का शिकार होकर वापस पवेलियन को लौट जाते हैं। नंबर सेकंड में आते हैं ब्रेन लारा। दोस्तों आप में से भी बेशतर ने ब्रेन लारा की बैटिंग देखी होगी। अगर कहा जाए कि सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बाद कोई क्रिकेटर कोई बैट्समैन बड़ा था तो वो शायद ब्रेन लारा ही था। ब्रेन लारा के पास बैटिंग के इंतहाई बेहतरीन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। क्रिकेट की तारीख में फर्स्ट क्लास में सबसे ज्यादा 501 और इंटरनेशनल लेवल में बर्तानिया के खिलाफ 400 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स ब्रेन लारा ने ही खेली। अब ये वाकया चैंपियंस ट्रॉफी 2004 का है। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स में 132 रन्स पर आउट हो चुकी होती है। आपको पता है ये काफी कम स्कोर है, बॉलिंग पर काफी प्रेशर होता है। शुएब आते हैं और शुरुआत में ही क्रिस गेल की विकेट लेते हैं जो खुद में एक चैंपियन है। उनको LBW आउट करते हैं। फिर आते हैं वेवल को बॉल इंतहाई तेज बॉल कराते हैं। वेवल सीधी शॉट खेलते हैं और सबको हैरान करते हुए शुएब अख्तर खुद ही वो कैच भी पकड़ लेते हैं। अब वेस्ट इंडीज टीम के लिए मुश्किल तरीन टाइम होता है और इसी मौके पर शुएब आकर एक ऐसा बाउंसर मारते हैं जो लारा की गर्दन को लगता है। इसे क्रिकेट की तारीख का सबसे खतरनाक तरीन बाउंसर माना जाता है। इसको क्यों माना जाता है? क्योंकि शुएब आज भी अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपके सामने आएगा कि इस बाउंसर के बारे में कहते हैं कि मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उस दिन क्रीज पर लारा की मौत वाकया नहीं हुई। इतना खतरनाक बाउंसर था। हड्डी टूट, लारा रिटायर्ड हो जाते हैं। कुछ भी हो सकता, अगरचे ये मैच पाकिस्तानी टीम हार जाती है मगर इस पल को इंतहाई यादगार माना जाता है। अब दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं शुएब अख्तर वर्सेस सचिन तेंदुलकर। दोस्तों सबसे पहले हमें ये बात मानने की जरूरत है, अगरचे हम पाकिस्तानी हैं फिर भी ये बात मानने की जरूरत है कि कोई भी क्रिकेटर 100 सेंचुरीज ऐसे नहीं बनाता जब तक वो इंतहाई अजीम ना हो। तो सचिन की क्रिकेट में महारत पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। मगर जैसा सहवाग सचिन को शुएब का बाप बोलते हैं ऐसा शायद आप में से भी बेशतर ने सुना हो। पाकिस्तानी टीम के नामवर क्रिकेटर कहते हैं कि शुएब अख्तर के सामने सचिन तेंदुलकर की टांगें कांपती थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, मगर अगर दोनों के कैरियर पर नजर डाली जाए तो ये बात सच्ची ही मालूम होती है। शुएब अख्तर और सचिन तेंदुलकर का कलकत्ता वाला सामना बहुत मशहूर है। जिस दिन शुएब अख्तर पहले सचिन तेंदुलकर फिर राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड करते हैं इंतहाई बेहतरीन। इसकी चंद दिन कबल ICC ने भी वीडियो शेयर की। अगर आप इस पूरे वाक्य को सुनना चाहते हैं देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल पर ही ये एक वीडियो मौजूद है जिसको आप लोगों ने माशाल्लाह से 1.7 मिलियन व्यूज दिए। अप्रैल 2020 में हिंदुस्तान टाइम्स के बकौल शुएब अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा, अगर चे सचिन तेंदुलकर एक लेजेंड है मगर भारती आज भी उस एक छक्के के बारे में सिर्फ एक छक्के के बारे में जिक्र करते हैं, जिस वाक्य को शुएब अख्तर खुद डिनाय भी कर चुके हैं। अगर आप क्रिक मैट्रिक वेबसाइट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सचिन तेंदुलकर ने शुएब अख्तर को अपने कैरियर में 2 से 3 छक्के मारे। और उसी इंटरव्यू में जो हिंदुस्तान टाइम्स को दिया गया इंटरव्यू है उसके मुताबिक शुएब अख्तर कहते हैं, मैंने भारतीय ये बात भूल जाते हैं कि मैंने सचिन तेंदुलकर को 12 से 13 टाइम आउट भी किया है। ये एक लेजेंडरी बात है कि सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन को 12 से 13 टाइम आउट। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थे ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े नाम जो मतलब शुएब अख्तर ने जिनका शिकार किया है, मतलब बॉलिंग से शिकारी बोलेंगे उसको, शिकार किया है। ऐसे उनसे मतलब भिड़ंत भी हुई है, कुछ बढ़िया मूवमेंट भी हुए हैं क्रिकेट में। होते हैं ऐसे, आज भी होते हैं और पहले भी होते थे कि पिच पर अगर किसी से बॉल मिस हो गई तो बॉलर उसको मतलब जाकर कुछ बोलता था कि यार तुझसे बॉल नहीं मारी जाएगी, तू ऐसे रहने दे, आउट हो जा और ये कर वो कर, मतलब उसको चिढ़ाना उसको उकसाना बोलते हैं। तो ऐसा होता था पहले, जैसा इसमें बोल रहे हैं उन्होंने हाथ की कलाई का इशारा करा था कि कलाई में लगी थी उनके, शुएब अख्तर बॉल करा रहे थे तो उसके बाद ब्रायन लारा बच गए। भाई सच में वो बॉल इतनी ख़तरनाक थी कि उनकी गर्दन पर लगी थी और वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, गर्दन जा सकती है, हड्डी टूट सकती है, बंदा मर सकता है, क्योंकि यहीं से वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है दिमाग का कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता था बंदा, लेकिन बच गया वो। शुएब अख्तर
के पास वो टेक्निक भी थी, वो टैलेंट भी था और वो लाइन और लेंथ भी थी स्पीड के साथ। वो जहाँ चाहते बाउंसर को मारना वहाँ पर मारकर हिट कर सकते थे कि मुंह पे मारनी है, सीने पे मारनी है या फिर कहीं और मारनी है। बाउंसर जो थी उनके हिसाब से चलती थी, ऐसा वो स्पीड के साथ कंट्रोल भी कर सकते थे। तो वो डर तो मैं कह सकता हूँ हाँ क्रिकेट में होता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा किसी न किसी चीज़ से, लेकिन डर चोट का होता है। ये नहीं कि यार डर कर भाग जाओ, मैं मैदान छोड़कर भाग जा रहा हूँ, मुझसे नहीं खेला जाएगा, नहीं, उसको फेस करते हैं लोग। डर होता है, सबको होता है, लेकिन उसको फेस करते हैं, उसको मारना कहाँ है, कैसे खेलना है, वो दिमाग में चलता है अंदर, तो वो चीज़ें होती हैं। ओवरऑल बहुत ही सही वीडियो था, मज़ा आया इसको देखकर। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप कोई भी सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग।